आपा कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से आए? कब आए? कल आए। अच्छा, यहाँ पर रहने का इंतजाम कैसा है? अच्छा, कोई साफ सफाई किसी हाँ सब ठीक है आपका? नहीं चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं दिक्कत नहीं। आप कहाँ से आए आपा? कलकत्ता से है, पहली आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? पहली बार हम आए बार है तो किसी चीज की कोई परेशानी? नहीं, पानी, टॉयलेट, सब बाथरूम, चीज है। किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं? जो भी आता है सब यादगारी होती है। ये बाबा के यहाँ कुछ जो भी आता है अपनी मन्नत मुरादें लेकर आता है तो वो पाता भी है। बाबा जानते हैं कौन जायरीन कौन से दिल से आ रहा है, तो अगर हम उस इरादे से आ रहे हैं कि हमारी ज्यारत भी हो जाए और हमें बेनिफिट भी हो जाए तो बाबा वो देते भी हैं। आयाड़ विश्राम बिस्तर में इतनी व्यवस्था है ताकि उन लोगों को आकर के देखेंगे तो वो वैसी ही व्यवस्था पाएंगे जैसी वो चाह रहे थे। सुविधा सब लगा रखी है, टेंट वगैरह सब। जो बाहर से पब्लिक आएगी वो पंडाल बना रखे हैं सब, उसमें पब्लिक रुकेगी। दवाइयों का भी इंतजाम है फुल, कोई चार्ज नहीं लगता है इसमें, और मोबाइल चार्जिंग वगैरह उसका भी कुछ नहीं लगता है। सारा कुछ इंतजाम है, कोई किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। लेटरिन बाथरूम सबका इंतजाम हैगा, पानी का भी इंतजाम है, टंकी भी है, सारा कुछ। ऐसे किसी को कोई भी परेशानी नहीं आती है। जो बाहर से जायरीन आते हैं वो ही आते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम से। और जैसा कि गरीब नवाज के 812वें उर्स का आगाज परचम कुसाई के साथ हो चुका है, ऐसे में जायरीन बहुत परेशान रहते हैं कि उनको सस्ते में कमरा कहाँ मिलेगा। वो बहुत हमसे और YouTube पर इधर उधर खोजते रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि अजमेर शरीफ उर्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एकदम मुफ्त में रहने का कमरा कहाँ मिलेगा, वो इस वीडियो में बताया गया है। जायरीनों के रहने के लिए कहाँ पर मुफ्त में इंतजाम है, किस तरह का इंतजाम है और वहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं, मोबाइल के चार्जिंग का पॉइंट क्या है और नमाज पढ़ने का कैसा इंतजाम है, अगर आप खाना बनाते हो तो उसका कैसा इंतजाम है, अगर आपको लंगर खाना है तो उसका क्या इंतजाम है और सस्ते रेट में खाना कहाँ मिलेगा, सारी बातें को हम आप बताएंगे। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आशिक गरीब नवाज तक यह पैगाम पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कायड़ विश्राम स्थली ये अजमेर शरीफ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और कायड विश्राम स्थली के गेट नंबर 10 से हम अंदर एंटर करेंगे और यहाँ का क्या माहौल है, क्या तैयारियाँ चल रही है और क्या तैयारियाँ हो चुकी है वो आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। देखिए, सामने एंटर करने पर इस साइड ये टीन के टेंट लगे हुए हैं, टीन का शेड लगा हुआ है, इसके अंदर टोटल फ्री इंतज़ाम है रहने का और बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है। अंदर वहाँ भी हम चलेंगे, आपको पूरी जानकारी लेंगे। ये सामने की तरफ ये तंबू लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि दुकानें बनाई गई हैं। इन दुकानों में तरह तरह के कपड़ों की और तरह तरह की इसमें दुकानें सजेगी। और हम आगे बढ़ते हैं, ये सामने टॉयलेट बना हुआ है जायरीनों के लिए और आगे यह टेंट दिखाई पड़ रहे हैं, ये तंबू दिखाई पड़ रहा है। ये तंबू उन जायरीनों के लिए बनाया गया है जो मुफ्त में नहीं रहना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ सेपरेट रहना चाहते हैं। तो ये तंबू यहाँ पर लोगों के लिए अवेलेबल है। ये तंबू नाम मात्र का चार्ज लेकर दरगाह कमेटी के तरफ से दिया जाता है पूरे 10 दिन के लिए, पूरे उरुस तक के लिए। तो एक देख सकते हैं कितना बेहतरीन इंतज़ाम है, इस तरह का ये तंबू है। हम तंबू के अंदर आपको लेकर दिखा रहे हैं। देखिए, ये दोनों साइड से ये दरवाजे बंद हो जाते हैं और ये पूरा अभी काम चालू है। और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं, आप देख सकते हैं कि दरगाह कमेटी की तरफ से कितने बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। ये कैंप लगाए गए हैं, टेंट हाउस वालों ने लगाया है जिसे हम तंबू भी कह सकते हैं। ये पूरी की पूरी जिस हिसाब से नई बस्ती बसती है उस हिसाब से ये टेम्पररी बस्ती बसाई गई है। आइए हम आगे चलते हैं और आगे हम कुछ लोगों से मिलते हैं। भाई, आप अजमेर से ही हैं? मतलब आप टेंट वाले हैं? अच्छा अच्छा, टेंट वाले हैं साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार है साहब। विनोद कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अजमेर के। अच्छा, ये जो आपके पीछे ये जो तंबू लगा हुआ है, हाँ जी, और तंबू में बम्बू भी लगा, ये क्या है?
ये सब रहने के लिए है झोपड़ी टाइप में। अच्छा, ये टेम्पररी झोपड़ी बनाई जा रही है, तो ये किन के लिए बनाई जा रही है? ये जायरीनों के लिए बना रही है। अच्छा, तो ये क्या दरगाह कमेटी की तरफ से बनाया जा रहा है? नहीं, फिर दरगाह कमेटी वाले ने ये प्लॉटिंग दे दिया हमारे को और ये बना के दे रहे हम। जैसे जायरीन आएंगे ना, अभी रेटा खुली नहीं है, रेटा खुल जाएगी उसके बाद के अंदर जायरीन को दे दी। मतलब दरगाह कमेटी वालों ने आप टेंट हाउस वालों को ये जगह तंबू लगाने के लिए दिया है, फिर उसके बाद जो यहाँ का रेट है जो वो दरगाह कमेटी ही तय करेगी? वही तय करेगी साहब। अच्छा 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 अच्छा, और इसमें क्या क्या सुविधा रहेगी तंबू लगा के? और क्या, जैसे तंबू लगा दिया हमने, हाँ, तो तंबू के अलावा जो एक्स्ट्रा कोई आइटम लेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। जैसे कि क्या क्या आइटम मिलेंगे इसमें? दरी है, बिस्तर है, पलंग है और कंबल, बस यही है। ठीक, तो ये फिर भी कब तक आपका काम पूरा हो जाएगा? हो जाएगा सर कल परसों तक। और कितने दिनों से आपका ये काम चल रहा है? तीन चार दिनों से चल रहा है। ये पहली बार हो रहा है ना? नहीं, हर साल ही होता है सर। अच्छा, ये हर साल इस तरह का होता है? हर साल। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कायड़ विश्राम स्थल में कितने जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। उर्स की ये जगह जगह ये आपको जो दिख रहे हैं, ये टेंट लगाए जा रहे हैं जो हमने अंदर से जाके भी आपको दिखाया है, और ये बहुत ही जोरदार तैयारी है। जायरीनों को जो पर्सनल टेंट लगा के मिलेंगे उसको बहुत ही नॉर्मल रेट में यहाँ के ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है, जिसमें जायरीन 10-12 दिन उनको जितना भी रहना है रह सकते हैं। और पूरी जानकारी हम आपको यहाँ और अगली वीडियो में भी हम आपको देंगे कि पिछली बार तो 1000 रुपया रेट था 10-12 दिन का, जो भी से 1200 रुपये थे। इस बार ये उरुस में इन तंबुओं का क्या रेट लेते हैं वो भी हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे, क्योंकि अभी कमेटी ने उसका रेट खोला नहीं है। ये देख सकते हैं, आप पलंग चाहिए पलंग मिल जाएगी, कुर्सी चाहिए कुर्सी मिल जाएगी, गद्दा चाहिए रजाई चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अपनी अपनी पर्सनल फैमिली के साथ में आप रह सकते हैं, और फ्री वाला ये भी इंतज़ाम है, फ्री वाला भी हम दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि पर्सनल जो तंबू लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, उसका 1000 से 1500 के बीच में रेट है, और ये आप जो देख रहे हैं ये टोटल मुफ्त में रहने का इंतज़ाम है। आइए हम इसके अंदर चलते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं और पूरे इसके क्या हालात हैं पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आपका क्या नाम है? लईक अहमद नाम है भैया। लई भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, दूर दराज से आते हैं लोग, अपनी अपनी जो भी मन्नतें से आते हैं वो बाबा के यहाँ पर लेके जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से। किस मकसद से आए यहाँ पर? जी, मकसद यही है साहब कि दूर से आए हैं, अपनी मन्नतें मांगने के लिए आए हैं। बाकी यहाँ पर आके देखा तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे सर्दी का माहौल है तो सर्दी के माहौल के हिसाब से जो ये कैंप लगाए गए हैं, जायरीन आराम कर रहे हैं इसमें, तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे अपने एक रूम में सो रहे हैं। कितना दिन हो गया आपको आकर? ये मुझे हो गए 3 दिन हो गए आज। कितने सालों से आप आ रहे हैं इस कैंप? करीब करीब आ रहे हैं साहब हम 16-17 साल से आ रहे हैं इसी कैंप पे आते हैं। जी जी जी। तो क्या आप कोई दुकान वगैरह भी लगाते हैं या सिर्फ जियारत के लिए आते हैं? जियारत के लिए आते हैं साहब। अच्छा, तो कितना दिन रुकेंगे आप? अभी रुकेंगे हम 6 से 7 दिन। जब आप 16-17 साल से आ रहे हैं तो आप कोई ऐसी बात बताइए जो 16-17 साल में बहुत यादगार बन गई हो। देखिए साहब, यहाँ जो भी आता है सब यादगारी होती है। ये बाबा के यहाँ कुछ जो भी आता है अपनी मन्नत मुरादें लेकर आता है तो वो पाता भी है। बाबा जानते हैं कौन जायरीन कौन से दिल से आ रहा है, तो अगर हम उस इरादे से आ रहे हैं कि हमारी ज्यारत भी हो जाए और हमें बेनिफिट भी हो जाए, तो बाबा वो देते भी हैं। तो आपके कितने लोगों का ग्रुप आता है? आप अकेले आते हैं, कितने लोग आते हैं? 8-10 जने लोग आते हैं साहब। बस से आते हैं, ट्रेन से? बस से भी आते हैं लोग, ट्रेन से भी आते हैं लोग, अपनी वैसी सवारी से, कारों से भी आते हैं लोग। इस बार आप कौन से साधन से आए? इस बार हम लोग ट्रेन से आए। तो ट्रेन से आने के बाद आप जब यहाँ कायड़ विश्राम स्थल तक आए और तो कौन से साधन से आए? यहाँ तो साहब तो फिर ऑटो से आए। ऑटो वाला कितना मांगते हैं यहाँ का? ऑटो वाले ने तो साहब 30 रुपया लिया एक आदमी का। एक आदमी का मतलब? और कितने लोगों को लेकर आए साथ में? तो 5-6 लोग थे। हाँ, तो उस हिसाब से 30 रुपये तो नॉर्मल चार्ज। जी 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 जी। और आपको मतलब यहाँ की व्यवस्था कैसे लगी? व्यवस्था साहब बहुत बढ़िया है, पानी से रिलेटेड, यहाँ से रहने से, जैसे सर्दी है अभी, सर्दी के माहौल से बहुत अच्छी है साहब। सर्दी के माहौल से इतनी अच्छी है कि कोई भी जायरीन को सर्दी नहीं लगेगी जैसे सर्दी का माहौल है। जो जायरीन अजमेर शरीफ आते हैं लेकिन वो मकान को लेकर, गेस्ट हाउस को लेकर,
हम बहुत परेशान होते हैं, हर आदमी के पास उतना बजट भी नहीं होता है कि अच्छे अच्छे मकान में रह सके दरगाह के पास में। तो ऐसे नए जायरीनों को आप क्या पैगाम देना चाहिए कि यहाँ क्यों आना? लोगों के लिए सारी व्यवस्था है, वो आए आकर के देखें। तो कौन सी जगह पे व्यवस्था है? यहीं पर ही। नाम बताइए। कायड विश्राम। कायड विश्राम बिस्तर में इतनी व्यवस्था है ताकि उन लोगों को आकर के देखेंगे तो वो वैसी ही व्यवस्था पाएंगे जैसी वो चाह रहे थे। इसमें लगभग कितने लोग? 100 लोग रहते होंगे दोस्तों? इसमें तो काफी लोग भाई साहब, इसमें तो कम से कम हजारों लोग बैठ जाएंगे। हजारों लोग तो जबकि घर में 4 लोग रहते हैं तो खटपट चटपट होता है, इसमें हजारों नहीं, नहीं, यहाँ पर नहीं होता चटपट। कोई दिक्कत नहीं आती। जैसा कोई किसी का बैग उठा ले गया करते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बोलते हैं, बैठते उठते हैं। नहीं, कोई ऐसी तो नहीं वाकया होता है कोई किसी का सामान ले ले? नहीं नहीं नहीं, अभी तक कोई ये 16-17 साल में इस तरीके से हमने कोई भी चीज नहीं पाई, नहीं सुनी, नहीं देखी कि हमारा सामान गायब हो गया। ठीक दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पंडाल है, एक साथ इसके अंदर हजारों लोग रह सकते हैं, पूरा टीन का है और अंदर से किस तरह के इंतज़ाम है, किस तरह से बिस्तर है और दरी बिछी हुई है। और हम आपको लेके चलते हैं मेहमान खाने में। मेहमान खाना में औरतों के लिए ख़ास इंतज़ाम है। ये 3 मंजिली इमारत है जहां पर सिर्फ औरतों के लिए इंतज़ाम है। ये देखिए जो सामने 3 मंजिली इमारत दिख रही है, इसमें औरतों के लिए ख़ास इंतज़ाम है। वहाँ लेके चलेंगे और आपको वहाँ के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर अब दुकान का काम शुरू हो चुका है, लोग अपनी अपनी दुकानें लगा रहे हैं। दुकानदारों की भी कुछ परेशानियां हैं, उसके हम अगली वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं ये तरह तरह की ये दुकान बन चुकी है और हम आपको लेके चल रहे हैं। ये सामने 2 मंजिला इमारत नज़र आ रही है, इसे मेहमान खाना कहते हैं और इसमें सिर्फ औरतों के लिए रहने का इंतज़ाम रहता है, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम होता है। हम दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, ये आपको आसपास का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए सामने लिखा हुआ भी है मेहमान खाना। यहाँ आपा कहाँ से हैं आप? कलकत्ते से आए। कब आए? कल आए। अच्छा, यहाँ पर रहने का इंतजाम कैसा है? अच्छा है। कोई साफ सफाई? हाँ, सब ठीक है आपका। किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, दिक्कत नहीं। आप कहाँ से आए? आप कलकत्ता से है। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? पहली बार हम आए। पहली बार है तो किसी चीज की कोई परेशानी नहीं? पानी, टॉयलेट, बाथरूम, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं? आइए हम मेहमान खाना का नजारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े चारों तरफ से इंतजाम किए गए हैं और इसमें खिड़कियों में भी आप देख सकते हैं ये गुलाबी कलर के पर्दे लगे हुए हैं और नीचे हरा कपड़ा बिछाया गया है जिससे लोगों को सर्दी ना हो। ये देख सकते हैं यहाँ पर पीने का पानी का भी इंतज़ाम है, नल लगे हुए हैं और ये पूरा मेला यहाँ से आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं। सामने टीन का शेड लगा हुआ है जहाँ हमने दिखाया था और ये देख सकते हैं ऐसा चारों तरफ पूरे 2 मंजिली इमारत पे औरतों के लिए रहने का इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ की सिक्योरिटी इतनी चाक चौबंद है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उसकी पूरी जानकारी हम यहाँ के एक जायरीन से लेंगे कि कैसे क्या है, वो पूरी आपको जानकारी देंगे। आइए चलिए हम उनसे पूछते हैं। मेरा नाम समीर अली है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बताइए। 24। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या ये कमेटी में जो इंतजामिया कमेटी इसमें है आप? हाँ, कमेटी में क्या नाम है, सब चीज रहेगा इसमें, सुविधा सब लगा रखी है, टेंट वगैरह सब। जो बाहर से पब्लिक आएगी वो पंडाल बना रखे हैं सब, उसमें पब्लिक रुकेगी। दवाइयों का भी इंतजाम है फुल, कोई चार्ज नहीं लगता है इसमें, और मोबाइल चार्जिंग वगैरह उसका भी कुछ नहीं लगता है, सारा कुछ इंतजाम है, कोई किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। लेट्रिन बाथरूम सबका इंतजाम हैगा, पानी का भी इंतजाम है, टंकी भी है, सारा कुछ, ऐसे किसी को कोई भी परेशानी नहीं आती है। जो बाहर से जायरीन आते हैं वो ही आते हैं, और यहाँ पर रोड बेस बसें भी लगाई जाएंगी जिसमें चार्ज लगता है, इसमें 20 भी लग सकता है चार्ज, और अजमेर दरगाह पे छोड़ के आएगी वो बस, और उधर वापसी में भी आपको लाएगी और जो इसमें सब में छोड़ के जाएगी यहाँ पर, जहाँ पर मेला लग कमेटी की जो इंतजाम है। खाने का भी इंतजाम है, लंगर भी चलता है इसमें। जो लंगर है वो लंगर कौन कौन से वक्त पे चलता है? लंगर दोपहर में चल जाता है, उधर शाम को चलेगा, 5-6 बजे तक लंगर मतलब चालू हो जाएगा।
उसमें खाने में मुर्गा रहेगा, ज्यादातर मुर्गी रहता है इसमें, और दोपहर में चावल भी मिलेंगे और मुर्गा भी मिलेगा, उसमें रोटियां भी होंगी। और आपके लिए क्या नाम है, एक एक बंदे के लिए इतना दिया जाता है इसमें लंगर, जिसमें 4 बंदे खा सकते हैं उसमें। और मतलब जो बाहर की पब्लिक आती है उसमें खाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप ये बताइए कि जो गैस का सिलेंडर, जो अपनी फैमिली के साथ अलग रहना चाहते हैं, जिनको लंगर नहीं खाना है, तो गैस के सिलेंडर का कमेटी की तरफ से कैसा इंतजाम है? पिछली बार तो 10 रुपए था, अब देखो इस बार देखते हैं कितना होता है। सुविधा बहुत अच्छी है सिलेंडर की, अंदर बनाने नहीं देते हैं बिल्डिंग में, क्योंकि फटने का डर रहता है, तो बाहर ही इसको बनाना पड़ेगा आपको। खाने का इंतजाम बाहर ही है, उसमें पिंडल बना दिया गया, उसमें आप जब चाहे यूज कर सकते हैं। जी मेरा नहीं नाम है मेरा। समीर भाई ये बताइए कि दवाइयों के कितने डॉक्टरों की टीम आई है? डॉक्टर की काफी टीम है, और अभी पिंडाल तैयार हो रहा है और इंतजाम अभी फुल है। अब जब आएंगे तो डॉक्टर काफी तरह के रहते हैं, एम्बुलेंस वगैरह सबकी रहती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो यहाँ पर। अगर कोई तकलीफ आती है, अगर डॉक्टर का जैसे इंतजाम नहीं हो पाता तो अजमेर शरीफ में भेज देते हैं। दूसरा आप मुझे ये बताइए कि लाखों जायरीन आते हैं, ऐसे में चोर उचक्कों की टीम भी आती है, तो जायरीनों की जो सामान की हिफाजत करना है या सुरक्षा का इंतजाम करना है, उसको कैसे इंतजाम किया जाता है? पुलिस रहती है, पुलिस चप्पे चप्पे पे रहती है, यहाँ चोरियां वगैरह कुछ नहीं होते हैं, इंतजाम कमेटी का फुल है, और यहाँ किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। चोर यहाँ तो चोरी नहीं कर सकता, बाकी यहाँ सब कुछ सुविधा है। अब मतलब अगर चोरों की नई भर्ती हुई है तो बजाय मेहरबानी यहाँ पर वो हाथ साफ कर लेना है। नहीं, कैमरा लगे रहते हैं यहाँ, हर जगह कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, चोरी का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कैंप लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे तंबू लगे हुए हैं जिसमें बम्बू के साथ में, उनका कितना क्या रेट होता है? उनका इस बार शायद 1500 रुपए का एक झुग्गी रहेगा, उसमें मतलब बाहर से मतलब रह सकता है, उसमें अपनी पूरी फैमिली रह सकती है। तो 1500 के झुग्गी के साथ में क्या क्या रहेगा? गद्दा? नहीं, गद्दा नहीं रहेगा, उनका खुद इंतजाम रहेगा। अच्छा, अपना कम्बल वगैरह सब कुछ उन्हीं का रहेगा, खाली मतलब झुग्गी मिलेगी। खाली झुग्गी 1500 रुपए में मिलेगी, कितने दिनों के लिए? वो तो पूरे मेला के तय रहेगी, छठी शरीफ के बाद में फिर पब्लिक चली जाती है। चलिए, और कुछ आप कहना चाहेंगे जो आवाम के लिए? बस आवाम आप आना चालू हो जाएगी, बहुत सारी पब्लिक आ रखी है। बसों के रहने का कहाँ पर इंतजाम है? बसों का पार्किंग बनी हुई है, यहाँ से 2 से 3 हजार तक बस मतलब खड़ी हो जाती है। तो बसों के पार्किंग का कुछ चार्ज है? चार्जिंग का तो अभी तो इंतजाम नहीं करा गया, ऐसी चार्ज नहीं लगता है वैसे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।